फिर पता है ना, फिर सांड ही देनी पड़ती है, या तो जान दे या सांड दे। ये देखो केला कितने खुशी से, आय हाय कैसे छिल छिल के खा रहा है। डाला जरा मुंह में एक बारी। ओए होए होए होए, क्या खाया भाई साहब। भाई जी घोड़ा तेरा घोड़ा, भाई जी घोड़ा नहीं लेना। कश्मीरियत की मेहमानियत कहाँ से देखोगे आप? अरे आप कहाँ से देख लिया। अरे रुक जाओ बैग हटा देते हैं। भाई साहब व्यू देखो क्या जबरदस्त है भाई, होटल से बाहर निकलते जबरदस्त व्यू, अल्टीमेट भाई। देखो व्यू, व्यू तो देखो अच्छा, रूम में गा रहा है, रूम तो मैं खुद बोल रहा हूँ में गा रहा है, लेकिन व्यू देखो यार क्या जबरदस्त भाई। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय श्री राम, सलाम वालेकुम एंड प्रेज द लॉर्ड। भाई अपन पहुंच गए पहलगाम में, आज हम पहलगाम को तरीके से एक्सप्लोर करेंगे। भाई का, मनी भाई का खास डिमांड है आरू वैली, बेताब वैली, ये वैली वो वैली, सारी वैली नाप देंगे भाई आज। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी फिर से हम लेट हैं हमेशा की तरह, ऑल थैंक्स टू ऑल थैंक्स टू हम तो आपके राज में जी रहे हैं बस, हम तो आपके राज में जी रहे हैं बस। तो चलो भाई अपना लगेज लेने के लिए भैया आ गए हैं, तो अपन हम चलते हैं नीचे और फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हम बस मैं बार बार बता चुका हूँ कि हम बहुत लेट है। कैसे भैया जी? ऑल गुड सर, ऑल गुड। कल का था ना, हेडेक सा है, वो क्यों है पता नहीं क्यों है भाई साहब, कोई पाप करा क्या करा। लो भाई ये था अपना एक्सटीरियर जो था, रात को दिख नहीं पाया था यार होटल का। देखो यार रिजॉर्ट का बाहर वाला बिल्डिंग इज गुड, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं गलत वो नहीं बोलूँगा, बट नॉट वर्थ स्टेइंग। अक्सा बीच चले जाना, पर अक्सा रिजॉर्ट में बताना भाई साहब, कुछ खास नहीं है, कुछ खास नहीं है, सीरियसली कुछ खास नहीं है। बट ठीक है यार, अपने को रात को रहने के लिए छत मिल गई, ठीक ठाक थोड़ा बहुत खाने को मिल गया, अपना रात चल कट गई बढ़िया से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो अब मेन चीज़ ये है कि हम कश्मीर में हैं और अपन को अब इंजॉय करना है। आज अपना बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि आज यार एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है जो हम सोच के आए थे, और वो है आरू वैली, बेताब वैली, पहलगाम के जो जो भी एरियाज हैं वो सब एक्सप्लोर करेंगे। तो यार आज अपना दिन बहुत मस्त होने वाला, बहुत मज़ा आने वाला, और बहुत मज़ा करने वाले हैं। लाइसेंस चेक करो अपना। लाइसेंस चेक करो अपना। अरे आप जा रहे हो यार बिना पैसे लिए मेरे से यार, आप यार नहीं नहीं यार प्लीज एक मिनट रुको यार। कश्मीरियत की मेहमानियत कहाँ से देखोगे आप? अरे आप कहाँ से देखोगे, आपने सोडा लाने के लिए बोला तो क्या ही होगा उस चीज से, क्या बात है, 40 रुपए से क्या होगा, क्या बात है, थैंक यू वेरी मच यार, ये हॉस्पिटैलिटी, थैंक यू वेरी मच। आज ये आरू वैली, पहलगाम, ओ सॉरी आपका बेताब वैली, वो सब देखेंगे, अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच फॉर द सोडा, थैंक यू वेरी मच, चलो टेक केयर ब्रदर्स, बाय बाय, टेक केयर, बाय। देखो भाई अभी ना हमने सारा जो हमने ड्राई फ्रूट और वो सब सामान खरीदा था ना, डॉक्टर साहब ने जो 14 पैकेट शिला जीत के खरीदे थे सारे हमने ना अब यहाँ डाल दिए, क्योंकि वहाँ जगह नहीं है, अब डिग्गी में जगह बनी जा रही है, अभी इस डिग्गी को थोड़ी जगह सेट करके भाई अपना सामान खुद ही उठाना पड़ता है। चलो एक काम करो ना, अब वो लाओ ना, मैं ला रहा हूँ ना, ये तो पकड़ो भाई इसको, हाँ हाँ पहले इसको रख दो ना भाई, वो सामान तो ऊपर आ जाएगा ना। चलो लो भाई यहाँ से हम चलेंगे, अब स्टार्ट करेंगे अपना हिसाब किताब, सारी सेटिंग हमने कर दी है, सारा सामान में रख दिया, गाड़ी थोड़ी खराब है तो खराब है तो है भाई, क्योंकि बारिश बारिश हो ही जा रही है बार बार, तो कैसे गाड़ी साफ रहेगी भाई। तो भांग बोस मैं कोशिश कर रहा था इसको मैं संभाल लूँगा, लेकिन मनी भाई ने देखा और मनी भाई ने देख लिया कि मेरे पास का है नहीं, तो मनी भाई आए आराम से इसको ना आगे रख दो, और मनी भाई स्टार्ट हो गए अपने आप ही यार, थैंक यू मनी भाई। इसमें बहुत लंबी जर्नी होने वाली है, क्योंकि आज हम पहले बेताब वैली, आरू वैली और उसके बाद रिटर्न शुरू करने वाले हैं। भाई प्लान में हमारा थोड़ा सा लग रहा है कि आज हम अपना रिटर्न शाम को ही शुरू कर देंगे, क्योंकि अपना रास्ता बहुत लंबा है, तो यार हो सकता है 5-6 घंटे ड्राइव करने के बाद जम्मू में कहीं रुक जाए या जहां पे भी पहुंच पाए, डोंट नो, बट कोशिश करेंगे जितना आगे तक हम कवर कर पाए आज। Thank you.
रेनोवेशन की जरूरत है। अरे रेनोवेशन की भी और पूरे स्टाफ की भी। ओ बेटे, रेनोवेशन की भी और पूरे स्टाफ की भी, चेंज करने की। भाई जी घोड़ा तेरा घोड़ा, भाई जी घोड़ा नहीं लेना, भाई जी घोड़ा मत लेना, बहुत मोटा होता भाई जी, दिक्कत हो जाएगी तुम्हें भाई जी, ले जाना मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर साहब आप घोड़ा लोग, घोड़ा घोड़ा नहीं लेना, साठ लेंगे। अभी तक जितने भी शहर हम मतलब सोनमर्ग श्रीनगर उसमें भी पहलगाम ना सबसे सुंदर लगा यार, और यहाँ के मार्केट्स यहाँ के ना वो भी काफी अच्छे हैं। मतलब ये ना ये जो लाइट लैंप पोस्ट है ना ये सारे रात में ना जल रहे थे, बहुत सारे यहाँ पे ना हमें कैफेज भी नजर आए, तो मतलब वो कैफेज में आप बैठ सकते हो, लेकिन अभी तो इधर कहीं रोड पे तो गाड़ी लगा नहीं सकते। अगर हमें मौका मिला तो किसी कैफे में बैठ के कुछ हल्का फुल्का खा भी लेंगे। यार ब्रेकफास्ट तो करेंगे ना भाई, एक बार पहले वो बेताब घूम के आते हैं, उसके बाद इधर ही आना है हमें। ठीक है भाई, लोग आपने सब सुन लिया ना यार, मैं तो बोल नहीं पा रहा हूँ, विकास जाल ने सब बोल दिया भाई साहब, मैंने रिकॉर्ड कर लिया ना आप सब, थैंक यू विकास जाल जी। ये देखो भाई मंदिर देख लो भाई, बहुत बहुत मुश्किल से एक मंदिर दिखाया, श्री गौरी शंकर टेम्पल है ये, है ना, बहुत मतलब पहला मंदिर दिखाया अभी तक कश्मीर जो से जब से एंटर किया है यार, अच्छा लगा देख के। अभी हम पता कहाँ जा रहे हैं, जब हम जवान होंगे जाने कहाँ होंगे, सन्नी पाजी की पहली पिक्चर बेताब वैली जा रहे भाई, और खास डिमांड पे डॉक्टर मनीष शंकर की खास डिमांड। या फिर वैली में कोई टूरिस्ट मतलब ऐसा कोई पॉइंट है वो हमें कुछ नहीं पता, बट हमने सुना कि यहाँ ये अच्छा है, हमने कहा चल लो। ठीक है भाई थैंक यू। तो यहाँ पे कश्मीरी भाई बोले आओ डॉक्टर साहब कबीज का बच्चा, आओ आरू मैं तुम्हारी मारू। तो एक बार आपको दिखाते हैं यहाँ से इसी से जाने से बेताब वैली, जहाँ पे साक्षात सनी देओल जी जो है अपना बढ़िया शूटिंग, अमृता सिंह बेताब मूवी की जो शूटिंग हुई थी बहुत ही इत्मीनान बहुत ही प्यार से हुई थी, जहाँ पे बहुत बड़ी रोमांटिक मूवी मानी गई थी ये, और वही ये मूवी है, और वही देखो ये देखो भाई ये देखो वो देख लो ये हार्ट बना हुआ है। ये बड़ा फेमस टूरिस्ट स्पॉट है यार पहलगाम में ना, बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, बहुत लोग आते हैं और सीनिक भी बहुत है। देखो ना यार पास में नदी बह रही है भाई साहब, एकदम भाई साहब बेताब पिक्चर की यादें ताजा हो गई देख के इसको, पर बहुत सुंदर है यार बहुत सुंदर है, ऊपर देखो एकदम बढ़िया एकदम बहुत बढ़िया, कश्मीर इज हेवन यार बहुत सुंदर है। चलो यार बेताब वैली देख ली हमने तो पिक्चर में ही देखी थी, और अभी ना अपन नहान जाएंगे रिवर, उसके पास रिवर के पास, और देखो बढ़िया लोग खेल रहे हैं मजे कर रहे हैं पानी में, ये देखो भाई ये देखो। लेकिन यार माँ कसम भाई कश्मीर बहुत सुंदर है यार, मुझे ना नदी का वाइट वाइट सा इतना जबरदस्त पानी गिर रहा है, ये देखो भाई ये देखो कितनी मस्त लग रही है यार, बहुत सुंदर है यार बहुत प्यारी जगह भाई, यहाँ से बेस्ट व्यू आ रहा है, गलती से आ गए थे हम। अरे नहीं नहीं मुझे नहीं जीपीएस यहीं लेकर आ रहा था। अरे मुझे आपको दिखा दिया बहुत जबरदस्त वाला एरियल व्यू बर्ड व्यू आपने देखा और बहुत अच्छा था यार बहुत सुंदर लग रही थी। अब अपन चलते हैं आरू वैली, आरू वैली थोड़ी देर एक्सप्लोर करेंगे उसके बाद फिर अपना हम ओ भाई ओ भूसारी भाई साहब गड्ढे में फंसा दी उसने गाड़ी, भागा जाए हमारी थोड़ी गलती थी भाई, बहुत तेज था वो एकदम उसने तो भाई साहब डैश कर दिया था तो कांड ही होता भाई। अभी भी एक्सीडेंट बचा है एक और, बहुत दिक्कत हो रहा है, कुछ ना कुछ अटपटा चलता जा रहा है हमारे साथ, अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, बहुत आराम आराम से चलना।
अरे वो गाड़ी पीछे आ रही है अपने। कौन सी? वही स्विफ्ट। अच्छा हाँ सही में आ रही है भाई। फाड़ रहे हो मनोज भाई, वो पहले वहां से निकल ले उसके बाद फिर। चेकिंग भी चल रही है, देखो रोक के ना वो कुछ बता रहे, रास्ता बता रहे कि इधर से यहाँ कुछ तो चल रहा है। अभी रोका भी है भाई उन्होंने, दरवाजा भी खुलवाया था। बहुत अनसर्टेनिटी है यार यहाँ पे ना, मतलब भाई कभी भी कुछ भी होता है यार, और कुछ पता नहीं रहता है कि आगे आगे वाले टर्न पे क्या हो रहा है। या तो कोई वीआईपी मूवमेंट होगी यार, वीआईपी मूवमेंट पता नहीं क्या है। मोड़ दिया भाई साहब, मोड़ दिया। देखो आर्मी भी है और पुलिस भी है, दोनों ही है भाई यहाँ पे। ये सब सच में बहुत है यार, बहुत अनसर्टेन है भाई साहब। नहीं शायद ना, शायद अच्छा भाई नहीं जाने दे रहे इधर से। नहीं ऊपर उन्होंने बोला प्यार से, हमने ही मोड़ लिया भाई। वो प्यार से नहीं भी बोलते तब भी हमें प्यार से ही मोड़ना पड़ता है भाई, मोड़ना ही पड़ता है। मैं ये बोलने वाला था भाई, आप इनसे आप बोल भी ना पाते भाई, ज्यादा बोल रहे प्यार से। आदमी से आप बहस नहीं कर सकते, वो जो बोल रहे हैं आपको मान लो भाई, मानना पड़ेगा। और वो आप ही के हित में बोल रहे हैं भाई, कुछ ना बता के क्या है, कुछ ना बता के कौन इंतजार कर रहा है आपका। फिर पता है ना, फिर सांड ही देनी पड़ती है, या तो जान दे या सांड दे। यार आप जिस तरफ कैमरा घुमा लो ना, उस तरफ आपको इतनी सुंदरता दिखती है भाई साहब। ये देखो गाड़ी में भी देखिए कितनी सुंदरता है। देखो ये देखो केला कितने खुशी से, आय हाय कैसे छिल छिल के खा रहा है। डाला जरा मुंह में एक बारी, ओए होए 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 क्या खाया भाई साहब, जबरदस्त भाई। मन ने तो भूख लग रही थी भाई, मन ने ये मान नहीं रहे भाई, ये तो पहले कह रहे हैं आरूबेली जाएंगे उसके बाद हम कुछ खाएंगे भाई। चलो भाई जहाँ भाई देखो, वो क्या कहते हैं, वो मेजोरिटी जब चाहती है कि हम वहाँ जाएं तो पहले आरूबेली चलेंगे उसके बाद कुछ खाएंगे मेरा भाई। पर भूख बहुत लग रही है भाई। सुंदर वादियाँ, ये जो अपना लद्दाख है जैसे, वहाँ पे बैरन माउंटेन्स है उसको देखने का अलग मजा है। हाँ, क्यों भाई उसकी अलग ब्यूटी दिखती है, उसकी लैंडस्केपिंग अलग दिखती है, और यहाँ पे प्रॉपर ग्रीन, प्रॉपर एकदम पेड़ ही पेड़ भाई साहब लगे हुए माउंटेन्स, इन ये अलग खूबसूरत दिखते हैं भाई साहब। और ये दोनों खूबसूरती अपने को इंडिया में मिल जाती है भाई साहब, अच्छी बात ये भी बहुत है। यार ये रास्ता इतना सीनिक है ना यार, पहलगाम से आरूबेली का बहुत सीनिक है यार, बहुत सीनिक है। निहारते चलो बस भाई। देखो हर जगह ना लोगों ने दरिया दुनिया बिछा के ना, बढ़िया एकदम पिकनिक चल रही है। देखो ना आराम से बैठे हुए हैं नदी के किनारे, नदी के मतलब साइड पे, मस्त यार। भाई आरू वैली के पास ना बहुत बुरे फंस गए यार, बहुत तगड़ा जाम है भाई, बहुत कैड़ा जाम है आगे तक, पूरा कैड़ा भाजी, बहुत खतरनाक जाम है। और मुझे लग नहीं रहा कि हम ना यहाँ पे बहुत जल्दी निकलने वाले हैं यहाँ से, क्योंकि दूर दूर तक भाई साहब गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। और प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे ना, पूरी रोड अभी ना बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं इसकी वजह से ना एक ही गाड़ी एक साइड पे निकल पा रही है, जैसे पुल पे ना एक ही गाड़ी निकल सकती है, दो गाड़ी निकल ही नहीं सकती भाई। इसी चक्कर में भाई साहब भसड़ फैल गई है। मेरे हिसाब से ना इनको आइडली ना आज इनको ज़्यादा गाड़ियाँ लानी अलाउ नहीं करनी चाहिए थी। एक जगह हमारी पर्ची कट रही थी वहाँ पे ये रोक सकते थे, एक मिनट भाई साहब, बहुत भाई साहब एक जगह पर्ची कट रही थी वहाँ रोक सकते थे ऑलरेडी, क्योंकि गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा पहुँच चुकी है, जब रास्ता ही नहीं है तो फायदा क्या घुसे। और उन्होंने क्या है इंटरवीन किया इसमें, और जो है अब एक एक करके गाड़ियां निकल रही है। रुको अभी रुको,
जाने दो उनको, जाने दो। अरे रुक जाओ भाजी, रुक जाओ, चलो भाई। अब ये लाइन निकल गई है, अब क्या, अब ये निकल जाएगी तो बच जाएंगे भाई। चलो भाई, बहुत कड़ा जाम लग गया। आरू आरू ने भाई साहब मार दी भाई, आरू ने आरू रा रा रा। हेलो आरा रू रा 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 आरा रा 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 आरा रू रा रा रा। आजा आजा, मैं पुल पार कर रहा हूँ। लो भाई अपनी गाड़ी आ गई भाई, अब मैं बैठ जाता हूँ फटाफट से। एक मिनट बस, रोको रोको रोको, रुक जा भाई, रुक जा, सांस ले ले। चलो भाई, नहीं नहीं इधर जगह है, इधर जगह है, इधर जगह है, आ जा आ जा। भाई उधर रखो, उधर रखो, उधर रखो, इधर मत भाई। हाँ भाई, इसकी विधानसभा भंग हो जाएगी भाई साहब, इसने डंडा रखा भाई। दोबारा बजा हॉर्न शाबाश। ये देखो भाई, इसके लगी आग पिछवाड़े में, बहुत तगड़ी आग है भाई के। भाई बहुत लेट हो रहा भाई, इसको जल्दी जाने दो भाई। देखो ये ओवरटेक करके जाएगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी में भाई, भाई इसको दे भाई रास्ता, दे इसको भाई साहब। इसकी आग लगी इसके पिछवाड़े में, बहुत तगड़ी आग है भाई। एग्जैक्टली वैसा ही लग रहा है, बिल्कुल सच पास जैसा। यार एक कच्चे रोड है ना, एग्जैक्टली सच पास पे भी ना ऐसे कच्चे रोड मिले थे, वाटरफॉल मिला था, ग्रीनरी ऐसी थी, एकदम सच पास जैसा फील आ रहा है। क्या बात है भाई, भाई ऐसे ही वाटरफॉल मिला है। छोटा सा सचपास तुमने मुझे दिखाई दिया, मतलब है, मतलब आए थे हम लोग सचपास का मन बना करके, तो सचपास तो हुई है भाई। भाई लेकिन रास्ते में ना जगह नहीं है, मतलब गाड़ियों की ऐसे ही रास्ता था सचपास का भी, पतला सा, पर इतनी गाड़ियां नहीं होगी ना भाई उस पे, इतनी गाड़ियां नहीं थी, एक दो गाड़ी जा रही थी भाई। तो इसने इतना हॉर्न बजा रखा था, साला पहुंचा का 10 मिनट आगे नहीं है भाई। गाड़ी एक सामने से बसा दी ना उसने, अब निकली है, अब निकली है, वहाँ एक ही गाड़ी की निकलने की जगह है ना एक्चुअली। यार ये वाला जो सिचुएशन है ना, ये यहाँ पे बहुत ज्यादा है यार। लेकिन साले थोड़ा वेट कर ले यार, थोड़ा एक एक करके लाइन बना के निकल ले यार, वही तो यार, पेशेंस पेशेंस। यही गलती मैंने देखा मनी भाई, आप भी करते हो ये। मैं क्या करता, मैं देखो पूरी जगह छोड़ कर खड़ा बोलो, छोड़ देता हूँ उधर वैली में, और छोड़ दो थोड़ा, और छोड़ दो। नहीं नहीं अब नहीं, आप सरदार जी आ गए, सत श्री अकाल सरदार जी। ये देखो भाई, हम कितने अच्छे वो हैं, कितना हम अपना ख्याल रखते हैं हेल्दी जीवन का। हम देखो रास्ते में भी जो है पौष्टिक आहार खा रहे हैं, ये मिक्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स हैं, क्योंकि इन्होंने मुझे खाना नहीं खिलाया। इन दोनों को ये इंजाम, इनके ऊपर इल्जाम लगता है ये वाला, कि इन्होंने मुझे खाना नहीं खिलाया, और पता नहीं भाई साहब कब तक खाना मिलेगा। तो कम से कम यार अच्छी बात ये है, अपने पास ये है सामान जिसके कारण हम जी पा रहे हैं आराम से। आगे से मैं टर्न ही कर लो मनी, आगे से टर्न कर लेना। आरू वैली में हमारा फिर से स्वागत है। लो भाई आरू वैली पहुंच गए हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनमोहक नजारे हैं भाई, मनमोहक। अभी मैं देख रहा था यहाँ पे ना पैराग्लाइडिंग भी हो रही थी, तो अभी देखते हैं यार यहाँ पे क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। यहाँ पे पहले आराम से गाड़ी लगाएंगे, उसके बाद जो है हम देखेंगे कि हमें कहाँ को जाना है, कहाँ को नहीं जाना, क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम पता क्या है, जब बताने वाले दो और हो ना, और खुद भी आदमी ड्राइवर हो ना, तो साला दिमाग और खराब होता है। अगर यही डॉक्टर मनी अकेला होता ना, अब तो गाड़ी लग चुकी होती। सलाम वालेकुम भाई जी, यहाँ पे क्या क्या है घूमने के लिए? यहाँ पे घोड़े पे घूमने के लिए है दो चार पॉइंट। घोड़े पे पैदल नहीं घूम सकते? पैदल भी घूम सकते, पर टाइम बहुत लगेगा। मजा आ गया यार, यहाँ पे हमने बहुत टाइम निकाला कसम से यार, बहुत सुंदर जगह है, बहुत सीनिक जगह है। एक दो जगह पॉइंट्स थे जहाँ घोड़े से जाना था, लेकिन अपने पास इतना टाइम नहीं था, तो इसलिए हम जो है निकल रहे हैं यहाँ से। अब क्या बोला था मैंने? बिल्कुल भाई, इसका कोई मैच ही नहीं है भाई, अल्टीमेट यार। भाई यार ये सच में यार, ये इतनी सुंदर वैली है ना आरू वैली। भाई जब भी कश्मीर आओ ना आप, पहलगाम जरूर आना यार, पहलगाम बहुत सुंदर है। पहलगाम में बेताब वैली, आरू वैली, और ओवरऑल बहुत सुंदर सुंदर है यार। करवा लो करवा लो भाई। देखो अब यहाँ पे ना ये क्या मस्त पॉइंट है भाई, यहाँ पे बैठ के मैगी खाएंगे यार, मजा आ जाएगा यार। वो देखो नीचे ना बहुत बढ़िया नदी बह रही है, और वो दूर ना लोगों ने कैंप्स लगाए हुए हैं, बहुत सारी पिकनिक स्पॉट्स हैं, मतलब बहुत कुछ चल रहा है यार। दिस इज देखो यार, पूरा ओवरऑल देखो क्या व्यू आ रहा है यार।
अल्टीमेट यार, पूरा देखो यार। ओए होए 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 भाई, बढ़िया चाय पियेंगे। हाँ बिना चक्कर के तीन, हाँ दो चाय ना, दो चाय और पांच मैगी कर दो आप, क्योंकि भूख अपने को बहुत ज्यादा लगी है भाई। कम से कम खाएंगे पांच मैगी भाई साहब, जबरदस्त तीन लोग पांच मैगी। आई तो मस्त जगह है यार, हाय, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है यार, वेरी वेरी गुड प्लेस। क्या मस्त है। तो भाई खा लेते हैं इससे पहले कि ये ठंडा हो जाए ना चाय और सीरियसली भाई, भाई कमेंट्री मनी भाई की सुन लो, देख मेरा भी लो, फील मेरा भी ले लो। मनी भाई बोलते रहो, क्या बोल रहे थे? इस व्यू के साथ भाई साहब जो मजा आ रहा है ना, आए हाय हाय हाय, भगवान करे मैगी इस तरह की मैगी सब लोग खाए यार, जो जो वीडियो देख रहे हैं सब लोग खाए। चलो फिर बाय, हाय फाइव भाई, तो भाई करते हैं यहाँ से अपनी रिटर्न जर्नी शुरू, अपन चलते हैं। अब भाई अब पता नहीं कि कहाँ रुकेंगे कहाँ नहीं रुकेंगे, रिटर्न जर्नी शुरू कर रहे हैं, देखते हैं रात को कहाँ रुकेंगे कहाँ नहीं रुकेंगे, कुछ नहीं पता भाई साहब। लेकिन बहुत मजा आया यार, क्योंकि ये जो जगह थी ना, खासकर आरू पहलगाम की ना जान है भाई, ये जान है। पहलगाम आओ तो इधर जरूर आ जाना, पक्का आ जाना भाई साहब। चलो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय, सी यू टाटा।